और विदिशा जिले में अधिकांश जगहों पर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसको लेकर जाफरखेड़ी में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया और फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग की। किसानों ने कहा, इस प्रकार से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत शांत हुए, इसी प्रकार से हमारी फसलें भी शांत हो चुकी हैं। उन्होंने सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री से किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा बीमा मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पूरी फसल सब चौपट हो गई है सोयाबीन की, जो शशांक भाई को न्याय मिला वो न्याय चाहिए। शिवराज सरकार से मेरा निवेदन अनुरोध, पूरी फसल को देख के नहीं, हम जो मीडिया पर दिखा रहे हैं बता रहे हैं, कलेक्टर महोदय से जो भी राज्य सरकार है केंद्र सरकार सब देख के नहीं, जो भी लगे हमारे कहा मुआवजा दिया जाए। आज के आंदोलन किसानों की सोयाबीन उड़द गन्ना और धान की फसलें हमारे पूरे क्षेत्र में बर्बाद हो गई है। किसान ये चाहता है कि शासन इसकी तरफ ध्यान दे, यहाँ किसानों का सर्वे हो और उनको मुआवजा मिले। हम लोगों का आज ये प्रदर्शन के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये कहना है, देश के समाचार पत्रों देश के मीडिया से ये आग्रह है हमारा कि सुशांत की तरह किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए हमने ये मांग की है, शासन से आग्रह कर रहे हैं कि सुशांत के साथ साथ किसानों को भी न्याय हो, किसानों को फसलों का मुआवजा मिले।